हमने सेक्सेस की क्लासेस में हम बात कर रहे हैं क्यूरी, और क्यूरी के अंदर हम बात करेंगे कैलकुलेशन। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है, हम क्रिएट पे आते हैं और हम जाते हैं डिजाइन, क्यूरी डिजाइन के अंदर, और हम यहां से प्रॉपर्टी शीट को हटा दीजिए, यहां से डेटा शीट को यहां पे डालते हैं। आ गया था डेटा शीट। अब इसके अंदर मान लीजिए कि मैं ओवरऑल यहां पे डेटा चाहिए, ठीक है ना। एक तो है ओवरऑल डेटा लगा दीजिए, दूसरा होता है कि नहीं मुझे डेटा अपने सीक्वेंस में चाहिए। कैसे चाहिए? अपने सीक्वेंस है, तो वन बाय वन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे इसका ईयर चाहिए और मंथ चाहिए। डेट से कोई मतलब नहीं है, ईयर मंथ के लिए चाहिए ताकि हम डेटा को अपने हिसाब से कुलेट और वगैरह कर सके, ठीक है सर। सर तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे ईयर लिखा, सेमी कॉलन दिया, और यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगा देते हैं ईयर, और ईयर के अंदर में बड़ी ब्रैकेट में हम कर देते हैं डेट, ठीक है सर। तो ईयर हमारा हेडिंग हो गया और एक ईयर हमारा फॉर्मूला हो, सेम उसी तरह से मंथ चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मंथ में जैन फेब मार्च के रूप में चाहिए, ना कि 1 2 3 के रूप में, क्योंकि मैं मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 2 3 के फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ हम मंथ का हेडिंग देते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला फॉर्मेट का। याद होगा फॉर्मेट फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और इसके अंदर में हम डालते हैं डेट और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में डी डी डी, और इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं क्लोज। ओके, आ गया डेट। उसके बाद यहाँ पे हम सेल्स टाइप ले लेते हैं, हम सेल्स मोड ले लेते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं, एमआरपी ले लेते हैं। एमआरपी के बाद यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्या ये चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पे हम अमाउंट, और अमाउंट के अंदर में यहाँ पे हम देते हैं सेमी कॉलन, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अगेन स्क्वायर ब्रैकेट एमआर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज के बाद यहाँ पे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये करना है, प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो ऑलरेडी है, अब मुझे इसमें अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे प्रॉफिट का हमने हेडिंग दिया और यहाँ पे कॉलम दिए, बड़े ब्रैकेट में हमने प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय अगेन अमाउंट कर दिया। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब इसको यहां करते हैं सेव। ने क्या किया, सेव किया क्यूरियन के नाम से। अब यहां देखेंगे क्यूरियन पे तो 2000, अब यहां पे क्या दिक्कत आ गई, डी हमने शायद लग रहा है डी 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 कर रही, तो डिजाइन मोड में हम यहाँ पे एसक्यूएल व्यू में आएंगे तो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डला हुआ है, यहाँ पे डी 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 की जगह पे हम एम 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 कर सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा जैन फाइव आ गया सर। ठीक है, सर अब इसकी डिजाइन व्यू में जाते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने जो परसेंटेज निकाला था वो काफी ज्यादा डेसिमल में है, हम चाहते हैं कि डेसिमल प्लेसेस का कम हो जाए, तो कम होने के लिए हम इसको रन करते हैं और यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग का कोई जुगाड़ नहीं है, कि नंबर फॉर्मेटिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे डेसिमल प्लेसेस कम चाहिए, क्या करेंगे हम, इसको राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाते हैं और एसक्यूएल की जगह पे हम यहाँ पे डिजाइन व्यू पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट लगाया हुआ है ना, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या कर देंगे हम, रख देंगे फॉर्मेट के अंदर।
फॉर्मेट। अब आपको लग रहा है कि सर इसमें दिक्कत हो रही है देखने में, तो राइट क्लिक करके आप जूम पे क्लिक कर दीजिए, जूम पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट, और यहां पे हम कर देते हैं कॉमा, मुझे दो डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 0.00 बट इन द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सर डन, ओके। और यहां से इसको हम करते हैं क्लोज और करते हैं यस। अब इस पे डबल क्लिक कीजिए, ये आपके सामने दिख रहा है, दो इन्वर्टेड कॉमा आ गया और डेटा जो है मेरा पूरी तरह से सही तरीके से आ गया। बट इस डेटा को मुझे ये चाहिए, ईयर वाइज, मंथ वाइज, और मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, पिवट टाइप, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना होगा सर क्यूरी विजार्ड, क्यूरी विजार्ड, एक मिनट, हम डिजाइन को ही कह रहे क्या, क्यूरी विजार्ड, यहाँ छोटा ही, हाँ यहाँ पे क्यूरी विजार्ड। क्यूरी विजार्ड में आपको दिख रहा होगा क्रॉस टैब क्यूरी, दिख रहा है क्रॉस टैब क्यूरी। इस क्रॉस टैब सर क्यूरी को हम लेते हैं और हम यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट करते हैं, क्यूरी में क्यूरी वन ले लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, हम ईयर वाइज रिपोर्ट हमें चाहिए, तो ईयर हमें चाहिए रो में, किस में चाहिए, रो में चाहिए, तो रो डाल दिया। फिर नेक्स्ट, फिर हमने यहाँ सर पे बोला कि मुझे जो ये चाहिए क्वांटिटी, सॉरी मंथ जो चाहिए वो मंथ चाहिए इसमें कॉलन। फिर नेक्स्ट हमने बोला कि मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, यहाँ पे देखिए काउंट आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको सम कर दिया, सम, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो आप देख सकते हैं 2020 और ईयर इसकी की इसका ईयरली रिपोर्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है, सर ठीक है। सर कोई डाउट इसमें सर? नहीं सही है सर इस तरह से रिपोर्ट निकाल सकते, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि हमें इसको ईयरली रिपोर्ट नहीं, मुझे मंथ और ईयर वाइज चाहिए होगा, चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, ईयर और मंथ वाइज कर दिया। तो हम इसको डिजाइन, इसमें क्यूरी डिजाइन में जाते हैं और इसके अब यहाँ पे चेंज करने में कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ क्रॉस टैब क्यूरी, क्यूरी टू आ गई, क्रॉस टैब क्यूरी, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ग्रुप बाय सर रो हेडिंग, दिख रहा है ना सर। दिख अब इस रो रहा हेडिंग, ठीक रो हेडिंग को लेके इसको मैं कॉलम हेडिंग कर और मंथ को कर देता हूं रो हेडिंग, और यहां पे क्वांटिटी ये हम बोल देते हैं रो, ये रो हेडिंग देते हैं, दिक्कत नहीं। फिर इसको सेव कर देते, यहां पे क्लिक कीजिए, देखिए आ गया सर। सर अब मैं क्वांटिटी को स्टार्टिंग में नहीं, मैं लास्ट में चाहता हूं, टोटल क्वांटिटी दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि लास्ट में दिखे। सर तो इसके लिए हम डिजाइन में अगेन जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टोटल ऑफ क्वांटिटी नहीं, ये स्टार्टिंग में ही रहेगा, फिक्स होता है सर, क्योंकि आपका पता नहीं है कि रो एंड कॉलम कितना मतलब बढ़ेगा कितना घटेगा, समझ रहे सर। नहीं नहीं वो इसलिए ऐसे इसको पकड़ ऐसे के ऐसे पकड़ के ड्रैग हो जाता इसको ड्रैग हो जाता सर वो नहीं, ड्रैग नहीं समझ रहा बाकी, ये तो लास्ट में है ही आपका, हाँ तो ये लास्ट में, यहाँ यहाँ तो लास्ट में ही है, लेकिन क्यूरी जो रन होगा हाँ तो वो वो तो आपको स्टार्टिंग में दिखाया, रीजन ये हुआ। एक मिनट मैं कर देता हूँ यहाँ पे रो हेडिंग, हाँ इसको यहाँ ईयर से पहले रखना होगा, फिर कॉलम हेडिंग है, कॉलम हेडिंग से पहले यहाँ पे सेम एस करते हैं, क्रॉस नहीं, यहाँ तो पहले आ गया, वो लास्ट में ही होगा हमेशा, अब चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया, सर ये इसको नहीं मूव कर सकते। तो इस तरह से आप बन आपका बन जाएगा। तो अब इसका रिपोर्ट जो है हम आसानी से इसको
इसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहां हम जाएंगे क्रिएट में और जाएंगे रिपोर्ट डिजाइन, ठीक है ना। अच्छा, रिपोर्ट विजार्ड पे भी जा सकते हैं। रिपोर्ट विजार्ड में कॉस्ट कैटेगरी चाहिए, हमने बोला कि मुझे मंथ तो चाहिए ही चाहिए, मुझे यहाँ पे 2020, 2021 और टोटल क्वांटिटी मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। फिर हमने इसको नेक्स्ट किया हाँ और ये जो हमारा आता है मंथ क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे हम मंथ डाल देते हैं ऊपर में, नेक्स्ट नेक्स्ट। और हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या चाहिए, स्टॉपेज चाहिए, ब्लॉक चाहिए, आउटलाइन चाहिए, हमने इसको फिनिश कर दिया। ये देखिए दिख रहा है, तो यहाँ पे बस मंथ अप्रैल 2020, 2021, अगस्त, दिसंबर, फरवरी दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है। तो ये शॉर्ट हो गया, बस ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। बस तो इस तरह के जो है हम रिपोर्ट्स भी आसानी से बनाते हैं। उसको डिजाइन व्यू में आइए, अब यहाँ डिजाइन व्यू में हाँ सही है, आखिर तक रिपोर्ट्स में हम। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, क्यूडी के अंदर कैसे करते हैं। हाँ सर। हाँ सर, तो आप ये जो और सर सैटरडे जैसे कि संडे नया नया जो छुट्टियां प्रॉब्लम, होती नया नया प्रॉब्लम आता रहेगा तो हैं, अलग अलग जी काम जी में अलग अलग होगा सर, ये तो ये तो वो तो सीख वो गया मैं सीख जो गया आपने मैं जो बताया। आपने बताया। तो आप क्या कीजिए, अभी मैंने आपको फॉर्मेट का फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला बताया, आप क्या करें उसके जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आप करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल में जाकर सारे फॉर्मूले ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। सर हाँ।